जम्मू ने जेडीए पर शहर की जमीनों को लेकर किए जा रहे घोटाले पर लगाए गंभीर आरोप। शुक्रवार को जम्मू में पत्रकार वार्ता के दौरान डोगरा संगठन जम्मू के अध्यक्ष अमित कपूर का कहना है कि जेडीए के बीसी श्रवण कुमार ने जम्मू शहर में जेडीए की उन जमीनों को अपने चहेतों को अलॉट करने का कार्य गैर कानूनी तरीके से किया है, जिन जमीनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने रियासत के माननीय राज्यपाल से गुहार लगाते हुए जेडीए में हो रहे घोटालों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन प्रेसिडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जेडीए के जो बीसी ब्रजेश कुमार श्रवण जी आए हैं, 225 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने। खसरा नंबर 328 छन्नी रामा में, इन्होंने जो जमीन बाकी बीसी 30 साल से संभालते हुए आए और जेडीए के मुलाजिम उस जमीन को संभालते आए, कुछ टाइम पहले उस 2013 में एक केस जाता है, ये एफआईआर काफी है उसकी, ये एफआईआर काफी है जो जेडीए बीसी लगवाते हैं पार्टी के खिलाफ, और हाईकोर्ट में केस चल रहा है इसका। और हमारे कितने ईमानदार राजेश कुमार श्रवण जी बीसी ये आते हैं, राजेश कुमार बीसी श्रवण जी ये आते हैं और ये आके क्या करते हैं, केस विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एजेंडा नंबर 80 रखवाते हैं और बोर्ड ऑफ मीटिंग में उसको पास करवा के ये जमीन कोर्ट में, अभी विड्रॉ केस हुआ नहीं और पार्टी को इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप फेंसिंग कर लीजिए दारू। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जेडीए बीसी साहब, आपके पास अथॉरिटी कहाँ से आई? कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब ने ऑर्डर नहीं किया, आप अपने एजेंडा नंबर 80 आप किस लालच में, किस प्रेशर में आप रखवाते हो ये? फिर दूसरा घोटाला इनका सुनिए, इन्होंने दूसरा घोटाला क्या किया कि स्टेशन के अंदर एक जमीन थी, जो एक कनाल जमीन थी, वो एक कनाल जमीन पे इन्होंने क्या करते हैं, ये एक कनाल जमीन जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मीटिंग में कुछ टाइम पहले ये फैसला हुआ था 66, 67, 68 एजेंडा नंबर रखवाया गया, उस पर यह फैसला हुआ ये जो जमीन है ये सिंचाई विभाग को दी जाए और इस पर कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे ये ईमानदार बीसी जेडीए बीसी राजेश कुमार श्रवण जी, उन्होंने इस पे भी क्या किया, दलजीत सिंह डोगरा नाम के कोई पार्टी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया कि हम मुझे 5 कनाल जमीन जेडीए की तरफ से दी जाए। ठीक है, हम दलजीत सिंह जी को कोई कसूर नहीं देते, लेकिन उन्होंने 5 कनाल जमीन तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उनको दी जाए, लेकिन उनको 4 कनाल जमीन दी जाती है रूपनगर में, जिसकी 4 कनाल जमीन की कीमत 10 करोड़ नहीं है। तो ये जनाब, एक कनाल जमीन जो बचती है वो जमीन कौन सी देते हैं? कमर्शियल जमीन रेलवे स्टेशन के अंदर, जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मीटिंग में पहले ही फैसला हो चुका है कि उस वो जमीन किसी को नहीं दी जाएगी, वो सिंचाई विभाग की जमीन दी गई है, तो वो उस पर एनक्रोचमेंट कोई नहीं होगी, तो ये अलॉटमेंट उनके लिए उनको दे दी जाती है। तो फिर बाद में जब हम ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो अलॉटमेंट कैंसिल होती है। इनको अथॉरिटी किसने दी विदाउट टेंडरिंग वो अलॉटमेंट देने की? अगर अलॉटमेंट दी गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 4 कनाल जमीन वहां दो तो 1 कनाल जमीन कमर्शियल दे दो उनको, वो 10 करोड़ की जमीन 4 कनाल की, ये 1 कनाल जमीन 25 करोड़ की उनको दे दो। डिमांड क्या करते हैं? हमारी ये डिमांड है कि जैसे गवर्नर साहब ने लास्ट टाइम इंक्वायरी बिठवाई, ये 1.5 महीना हो गया हमें कंप्लेन किए हुए, गवर्नर साहब के कान में जू नहीं रेंग रही, शायद उनके अपने सलाहकार उनसे मिले हुए हैं, कुछ लोगों से मिले हुए हैं, हो सकता है गवर्नर साहब के पास ये हमारी रिपोर्ट पहुंच ही नहीं रही हो। मैं गवर्नर साहब से, आदरणीय गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, ये तो आप मीडिया के माध्यम से आपको डायरेक्ट खबर पहुंच रही है, आप प्लीज इसका रिकॉर्ड जब्त करवाएं जेडीए का, और वाइस चेयरमैन के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई बनती है, मैं 225 करोड़ बोल रहा हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं ये हजारों करोड़ रुपए का ये घोटाला किया होगा इस बीसी ने, राजेश कुमार श्रवण। जय हिंद, जय डोगरा। छन्नी रामा वाली जो जमीन बोल रहे हैं आप, वो किसको बेची गई है? ये खसरा नंबर 328 है, इसका कोर्ट केस चल रहा था, ये देखिए, ये एफआईआर कटवाई है आज से 2013 में, इसका कोर्ट केस चल रहा है, 30 साल से जेडीए संभालती आई, लेकिन ये वाले बीसी जो राजेश कुमार श्रवण जी हैं, आप खुद बताइए मुझे कि कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी सरकार की जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे देगा? किसको दी है ये? कोई पार्टी है, इन्होंने एक पार्टी का नाम हम छोड़ नहीं कर सकते, ना हमें पता है ये किसी पार्टी को, ये केस विड्रॉ करवा रही है कोर्ट में, 2 अर्जी इन्होंने दे दी, 2 अर्जियों के बाद भी केस विड्रॉ नहीं हुआ, और इन्होंने 2-2.5 महीने पहले एजेंडा नंबर 80 रखवा के बोर्ड मीटिंग में पास करवा के एज ए NOC उसको दे दी है पार्टी को, और उन्होंने फेंसिंग करवा ली हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 39 कनाल 2 मरले जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन थी, ये एक आम आदमी को दे देते, आम लोगों को दे देते। जम्मू से विनोद निजावन, अलर्ट इंडिया न्यूज़।